फिलहाल एक बार फिर शुक्रवार है और कल जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हर जिले हर शहर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो दरअसल नुपुर शर्मा के मुद्दे पर पहले 3 जून की जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद पिछले शुक्रवार यानी कि 10 जून को एक बार फिर प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हिंसा और पथराव की घटना हुई। प्रयागराज के बाद फिरोजाबाद, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद और हाथरस से भी हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई थी और इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से चौकन्ना है। तो देखिए अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से पथराव किया और उससे पहले कानपुर में 3 जून को जिस तरीके से पथराव हुआ, अब एक बार फिर कल शुक्रवार है और जुमे की नमाज से पहले हालात बिल्कुल भी ना बिगड़े। पिछले 2 शुक्रवार जिस तरीके से निकले हैं वैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। लोगों से भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। तो खौफ का सबब बन गया है शुक्रवार, क्योंकि जिस तरीके से 2 शुक्रवार को बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसके बाद जो प्रशासन है, पुलिस है, सभी अलर्ट मोड पर हैं। अपील की जा रही है, चौकन्ने हैं और इसके साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि अंजाम इन हरकतों का अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से वादे के बाद भी वादा खिलाफी और हिंसा की गई, उसके बाद शुक्रवार को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। शहर में हर तरफ कानून की नजर, आसमान में भी पुलिस की आंखें, जमीन पर जवानों की निगाहें, अमन चैन से गुजरेगा शुक्रवार, शांतिपूर्ण रहेगा प्रार्थना का वार। बीते शुक्रवार को यूपी हिंसा की नाकाम कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर, कानपुर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर इस बार भी कानपुर पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। ड्रोन से इस बार भी निगरानी की जाएगी और ड्रोन पूरे जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 8 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। प्रयागराज में कोई घटना न हो इसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। पुलिस और पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगातार हिंसा ग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर फिरोजाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वालों की लिस्ट तैयार। कल जो हमारी व्यवस्था है उसमें आईटीबीपी की एक सेंट्रल फोर्स की कंपनी, पीएसी की कंपनी, इसके अलावा जो हमारी लोकल फोर्स है उसकी पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा। आगरा में शांति बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं से लगातार संवाद किया जा रहा है। समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ पुलिस संपर्क में है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। जालौन में पुलिस ने पहले ही तैयारी कर ली है कि दंगाइयों से कैसे निपटा जाएगा। नोएडा के पुलिस अधिकारी अपने अपने इलाकों में सड़क पर है। कन्नौज, एटा, बुलंदशहर समेत पूरे प्रदेश की पुलिस सतर्क है। नमाज पर अलर्ट को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि नमाज की व्यवस्था के लिए धर्मगुरुओं से सहयोग मिल रहा है। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। 2 शुक्रवार के बाद इस बार शुक्रवार शांतिपूर्ण गुजरे इसकी तैयारियां पूरी हैं। हर तरफ पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। फ्लैग मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और हमारे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और पूरे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से कल शुक्रवार है और शुक्रवार को लेकर पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई होंगी।
देखिए आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में जो पिछला शुक्रवार था वो ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ था, और जो अटाला समेत आसपास के इलाकों में जमकर हिंसा हुई थी, हंगामा हुआ था, अगजनी की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन जो आने वाला जुमा है उस पर किसी तरीके का कोई विरोध, हंगामा या हिंसा ना हो इसके लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पीएसी तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो पूरे ड्रेस में, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, अपने वेपन्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के उसी अटाला इलाके में जहाँ पिछले शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। बड़ी संख्या में जवानों को, अलग अलग जो बल के हैं उनके जवानों को तैनात किया गया है। जो अधिकारी हैं वो लगातार खुद गश्त कर रहे हैं और इन इलाकों में आने वाले लोगों की रैंडमली चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, और जमीन में ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आसमान में भी जो है वो ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, लगातार ड्रोन कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और कल का दिन बेहद संवेदनशील है, आज इसी जगह पर दोपहर को जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने फोर्स की ब्रीफिंग की थी, उन्हें यह बताया था कि कल किस तरीके से ड्यूटी करनी है, किस तरीके से सतर्कता बरतनी है, जो सामान्य लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसे बख्शना भी नहीं चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। तो साफ संदेश है कि जो आम नागरिक हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे साथ बेहद सख्ती के साथ निपटा जाए और उसे करारा सबक सिखाया जाए। बिल्कुल, और उसकी जरूरत भी है। विवेक भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। विवेक, जिस तरीके से हालात बने पहले शुक्रवार यानी कि 3 जून को एक जिला और उसके बाद 10 जून को कई जिले इसकी चपेट में आ गए, ऐसे में कल का शुक्रवार बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सभी डीएमएसपी के साथ मुख्यमंत्री वार्ता भी कर चुके हैं, क्या विशेष तैयारियां इस बार हैं, सतर्कता में क्या रहेगा, क्योंकि दोनों बार दावे किए गए थे लेकिन दावे फेल रहे थे। देखिए अवधेश, बात दावों की है तो हम बात करेंगे फिर इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस जो सूचनाएं देती है वो उस पर मैटर करता है कि आप कितनी तैयारियां करते हैं। कानपुर में भी इंटेलिजेंस को फेल्योर कहा जाए या ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस ने जो सूचना दी उसको अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, दोनों चीज़ें हैं। सूचना या तो दी नहीं गई या तो दी गई और अधिकारियों ने उसको संजीदगी से लिया नहीं, दोनों चीज़ों में ही सवाल उठता है सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, आला अधिकारियों पर, गृह विभाग के अधिकारियों पर कि आखिर सूचनाओं को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। यही स्थिति प्रयागराज में हुई। एक हफ्ते का समय था, तैयारी थी, पूरी तैयारी थी कि हम हिंसा को रोकेंगे, लेकिन वहां पर उपद्रव हुआ और उसके साथ 8 अन्य जनपद जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद थे वहां भी उपद्रव हुआ। तीसरी जो तीसरा जुम्मा है यानी कल, उसके लिए इंटेलिजेंस की सूचना है बरेली में तनाव हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में तनाव हो सकता है, लखनऊ में भी तनाव की सूचना है। देखिए लखनऊ में तो इंटेलिजेंस की सूचना जब आई है तो उसके एक दिन पहले यानी कल ही जो टीले वाली मस्जिद है उसके इमाम को हटा दिया गया। ये खुफिया सोर्सेस से खबर है कि टीले वाली मस्जिद के इमाम ही असली आदमी हैं जो गड़बड़ी पैदा करना चाह रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने, पुलिस के अधिकारियों ने अपनी तरफ से समझदारी करके वक्फ बोर्ड से संपर्क किया और उसके बाद इमाम को हटाया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम जो आज पोस्टर लगे थे वो पोस्टर भी एक पुलिस की रणनीति का हिस्सा थे, यानी पोस्टर लगा के एक डर का माहौल पैदा किया गया कि कल अगर किसी ने उपद्रव किया तो इस तरह के पोस्टर लगेंगे। पुलिस ने ही लगवाए थे, सोर्सेज की खबर है। ये बात जरूर उठ रही है किसने लगवाए पोस्टर, क्या कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने ही मुझे बताया कि पोस्टर उन्होंने लगवाए थे और ये उनकी कल शुक्रवार को शांति व्यवस्था कायम रखने की रणनीति का एक हिस्सा था। इसी तरह से पूरे प्रदेश में तैयारी जबरदस्त है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी गई है, जो धर्म स्थल है वहां पर आसपास बैरिकेडिंग की जाएगी, जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत लग रही चल रही है, हर थाने में जो थाना क्षेत्रों के धर्म स्थल हैं वहां के धर्म गुरुओं से बातचीत चल रही है। बरेली में तो हेलीकॉप्टर भी मांगा गया है, 2 हेलीकॉप्टर की वहां पर एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की गई है, धर्म गुरुओं से भी अपील की गई है कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग ना किया जाए। शुक्रिया विवेक आपका भी, मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।